गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप सब? चलिए, कैसा लग रहा है आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई? कैसी लग रही है? मजा आ रहा है या नहीं? क्योंकि टीचर से ना कोई डांट सुनने को मिल रही है ना कुछ, तो मजा तो आप लोगों को बहुत आ रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, बट क्या कर सकते हैं, सेफ्टी पहले इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज है क्लास सेकेंड की हिंदी लिटरेचर चैप्टर टू पढ़ाऊंगी, ठीक है। चैप्टर टू पढ़ाने से पहले कुछ बातें मैं क्लियर कर दे रही हूँ। चैप्टर वन आपका था भारत माता, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। इससे पहले भी क्लास सेकेंड की हिंदी लिटरेचर की दो वीडियो पोस्ट की जा चुकी है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था एंड सेकेंड वीडियो में आपको मैंने बुक फिल करवाई थी और कॉपी वर्क करवाया था। तो जिन भी बच्चों ने नहीं किया है या वो वीडियोस नहीं देखी है, आप लोग प्लीज पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी आप लोगों को आगे का समझ में आएगा, ठीक है। और क्या बात है भाई, आप लोगों को बुक्स नहीं लेनी है? बेटा बुक्स अगर नहीं लोगे तो कैसे पढ़ोगे? बुक्स तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि स्कूल तो आपका खुलेगा ही खुलेगा। अगर आज नहीं खुलेगा तो कल तो खुलेगा, इस मंथ नहीं खुल रहा तो नेक्स्ट मंथ खुलेगा, लेकिन खुलेगा तो है ही ना, तो कोर्स किसका पीछे हो जाएगा? आप लोगों का ना। तो जब बुक लेनी ही है तो आप लोग ले लीजिए और अपना वर्क भी टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहिए। सो प्लीज़ जितने बच्चों ने बुक्स नहीं लिए वो लोग आइए स्कूल से, बुक्स तो कम से कम खरीद लो बेटा, ताकि आपकी पढ़ाई में आपको डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि बिना बुक के आप नहीं पढ़ पाओगे। चलिए, और मेन बात आपको पता ही है, वीडियो के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिल सके। स्टार्ट करें चैप्टर, फटाफट से अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए आप लोग, जिन भी बच्चों ने खरीद ली और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं ली है वो आकर के ले लीजिए, और वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, देखिए। चैप्टर वन आपका क्या था? भारत माता। उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि भारत माता से हमें क्या क्या मिलता है, एंड चैप्टर सेकंड आपका क्या है, बुराई की जड़, यानी कि अगर हमारे अंदर कुछ बुराइयाँ आती हैं तो वो कैसे आती, कहाँ से आती हैं, या उन्हें कैसे खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चैप्टर मैं आपको बुक में पढ़ाऊंगी, ठीक है, बुक दिखा करके। सो ओपन योर बुक्स एंड चैप्टर टू बुराई की जड़, पेज नंबर 8, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगी। सो बच्चों ये देखिए, ये है आपका पार्ट 2, बुराई की जड़, ठीक है। इसको हम लोग बुक से पढ़ेंगे। यहाँ पर दो भाइयों के बारे में बताया गया है, तो पढ़ते हैं क्या बताया गया है। देखो, समीर अच्छा लड़का है। इस कहानी में एक लड़का है जिसका नाम है समीर, वो बहुत ही अच्छा है। वह सूर्य उदय होने से पहले उठता है, सूर्य उदय होने से पहले उठता है, मतलब यानी कि वो सूरज निकलने से पहले उठता है। आप लोग कब उठते हो? ऑब्वियसली आप लोग सूरज निकलने के बाद ही उठते होगे, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि आलस भरा है आप लोगों में। मम्मी उठाती भी होंगी कि उठो बेटा पढ़ लो, लेकिन नहीं। और फिर उठते ही वो क्या करता था? उठते ही माता पिता के पैर छूता है, ठीक है। समीर अच्छा लड़का है और वो सूरज निकलने से पहले उठता है, और उठते ही वह अपने माता पिता के पैर छूता है। आप लोग छूते हो? चलिए, अगर नहीं भी छूते हो तो छुआ करो, क्योंकि मम्मी पापा का आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा होता है। वे उसे आशीष देते हैं, आशीष का मतलब आशीर्वाद, वो मैं आपको शब्द अर्थ में लिखवा दूंगी, ठीक है। वो उसे आशीष देते हैं। फिर समीर का छोटा भाई है मधुप, यानी कि समीर का एक भाई रहता है, उससे छोटा रहता है, उसका नाम क्या रहता है? उसका नाम मधुप रहता है।
मैंने कहा ना यहाँ पर दो भाइयों की कहानी है, तो पहला बड़ा बेटा समीर है बड़ा भाई, और छोटा भाई मधुप है। वह बहुत आलसी है, यानी कि वो देखो समीर जितना ही अच्छा था वो उसका अपोजिट है, उसके विपरीत है, वो आलसी है, कोई भी काम समय पर नहीं करता। ना उसे स्कूल की चिंता है, ना माँ बाप की डांट की, ना समय पर उठता है और ना ही समय पर विद्यालय पहुँचता है। मतलब जब वो आलसी है तो वो देर से उठेगा ही, उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती थी कि अगर वो देर से उठेगा तो उसको उसके माँ बाप की डांट पड़ेगी या स्कूल जाएगा वहाँ पे डांट पड़ेगी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उसे बस सोने से मतलब था। आलस के कारण उसे घर पर माता पिता की डांट मिलती है, और विद्यालय में होमवर्क ना करके लाने और विलम्ब मीन्स देर से, ठीक है, देर से पहुँचने पर अध्यापक कान खींचते हैं। जैसे मैं डांट लगाती हूँ ना देर से आने पर, इसीलिए टाइम पर हमें हमेशा अपना काम समय पर ही पूरा करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मधुप बहुत आलसी है। मधुप की होमवर्क डायरी में भी माँ को उसकी शिकायतें ही मिलती है। जैसे मैं आप लोगों की डायरी में कंप्लेंट्स लिख करके देती हूँ, लेकिन और ये भी बोलती हूँ कि अपने पेरेंट्स से साइन करवाइएगा, लेकिन आप लोग बिल्कुल नहीं करवाते हो। इस पर वे बहुत दुखी होते हैं। जब उनका बेटा इतना नालायक है, बहुत ज़्यादा वो आलसी था, तो उसके माँ बाप को भी दुख होता था। एक दिन माँ ने समीर से कहा, एक दिन उसकी माँ जो है तो जो अच्छा वाला बेटा रहता बड़ा बेटा समीर, उससे कहती, बेटा आज तुम यह पता लगाओ कि मधुप में इतनी बुराइयाँ होने का क्या कारण है। मतलब अगर मधुप इतना आलसी है तो वो क्यों है। समीर बोला, अच्छा माँ मैं पता लगाऊँगा। तो समीर क्या कहता है अपनी माँ से कि ठीक है माँ मैं ज़रूर पता लगाऊँगा। क्यों? क्योंकि वो अच्छा बच्चा रहता है, वो अपनी माँ की सारी बातें मानता था। फिर समीर ने स्कूल में अपने सर से बताया कि माँ ने मधु की बुरी आदतों का पता लगाने को कहा है, ठीक है। समीर फिर जब वो विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है, तो वो अपनी ये बात अपने सर को बताता है कि उसकी माँ ने उससे मधु की बुरी आदतों का पता लगाने को कहा है। क्या कहा था? कि मधु में जो ये इतनी बुराइयाँ हैं वो कहाँ से आई हैं, ठीक है। फिर देखो सर क्या कहते हैं, उसके सर बोले, बेटा समीर घबराओ नहीं, मैं मानता हूँ कि मधुप में बहुत बुराइयाँ हैं, परंतु वह चाहे तो उन्हें दूर कर सकता है। यानी किसी में कितनी भी बुराइयाँ हो, अगर कोई कुछ चाहेगा तो वो उन्हें दूर कर सकता है। यानी अगर हम लोगों में भी कुछ कमियाँ होती हैं, अगर हम दृढ़ संकल्प करें या कुछ भी करें कि हाँ नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, तो वो नहीं करना है। यानी हम अपने आप को खुद को सुधार सकते हैं, ठीक है, तभी सब उसकी प्रशंसा करेंगे। प्रशंसा मीन्स उसकी तारीफ करेंगे। तुम यह जानना चाहते हो कि उसमें यह बुराइयाँ कहाँ से आई और तुम में क्यों नहीं आई। इसका मतलब सर को पता है, तो अब सर समीर से बताएंगे कि उसके भाई में जो बुराइयाँ वो कहाँ से आई हैं, ठीक है। तो उसका कारण यह है, देखो उसका कारण क्या है, कि मधुप की संगति ठीक नहीं है। यानी उसके जो दोस्त हैं या वो जिनके साथ उठता बैठता है, जिनके साथ खेलता है, वो ठीक अच्छे बच्चे नहीं हैं। वह उन लड़कों के साथ रहता है जो विद्यालय आकर पढ़ना नहीं चाहते, जो बालक ना तो समय पर सोकर उठते हैं और ना ही शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, उनमें आलस बढ़ता है। यानी मधुप की संगति कैसी थी? आलसी बच्चों के साथ थी, ठीक है। जब मधुप की संगति आलसी बच्चों के साथ थी तो मधुप भी तो आलसी ही बनेगा। इसीलिए तो मैं हमेशा आप लोगों को समझाती हूँ ना, बेटा आप लोग अच्छे बच्चों के साथ रहिए ताकि आप भी अच्छे बनिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके चैप्टर में भी वही चीज़ें बताई गई है, किसी काम में उनका मन नहीं लगता है, वे काम चोर बन जाते हैं और काम से बचने के लिए वे झूठ भी बोलने लगते हैं। झूठ सभी बुराइयों की जड़ है। अगर आप एक झूठ बोलोगे
तो उस झूठ को छिपाने के लिए आपको दूसरा झूठ बोलना पड़ता है। जैसे एक मैं उदाहरण आपको बताती हूँ कि मान लीजिए अगर मैंने कोई होमवर्क दिया, ठीक है, आप लोग नहीं करके लाए हो, अगर सच बता दोगे तो अच्छी बात है, और नहीं बताओगे तो आप तो जानते ही हो, फिर एक झूठ बोलोगे, मैं यहाँ चला गया था, वहाँ चला गया था, पता चले, फिर अब उसको छिपाने के लिए मम्मी ने मुझसे बोला था जाने के लिए, फिर उसको छिपाने के लिए ज़रूरी काम था, तो एक झूठ को छिपाने के लिए फिर बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, ठीक है, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। और झूठ सभी बुराइयों की जड़ है, इससे सारी बुराइयाँ स्वयं ही आ जाती हैं, यानी अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारे अंदर अपने आप सारी बुराइयाँ आ जाएंगी। फिर समीर ने मधुब के सामने सर की कही सारी बातें माँ को बताई। फिर समीर क्या करता है, उसकी माँ उससे बोलती है ना कि ऐसा मधुब क्यों है, वो पता लगाओ, तो समीर तो पता लगा लेता है सर से, सर को पूरी बात बताता है, फिर सर भी मधुब के बारे में समीर को पूरी बात बताते हैं। तो अब क्या करता है समीर अपने घर में जाता है और जितनी बातें सर उससे कहे हुए होते हैं वो अपनी माँ को बताता है, लेकिन वो मधुब के सामने बताता है, और मधुब माता पिता के सामने बहुत शर्मिंदा हुआ, मतलब अब उसको शर्म आ रही है कि हाँ मैंने गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी संगति मुझे ठीक रखनी चाहिए। फिर उसने सभी बुराइयाँ त्यागने का प्रण किया, त्यागने का मतलब छोड़ने का, कि मैं अपनी सभी बुराइयाँ अब छोड़ दूँगा। माँ ने कहा, फिर समीर और मधुब की माँ क्या कहती हैं, माँ ने कहा जो बालक माता पिता और गुरु का आशीर्वाद पाता है वह सदा सफलता प्राप्त करता है, यानी कि जो बच्चे अपने मम्मी पापा अपने गुरु यानी अपने टीचर का आशीर्वाद पाते हैं वो हमेशा सफल होते हैं, ठीक है। सो बहुत छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर में कुछ भी नहीं था, इससे आपको कुछ समझ में आया, बुराई की जड़ यानी कि हमारे अंदर जो भी कमियाँ आती हैं उसे हमें दूर करना चाहिए, हमें अपनी संगति अच्छी रखनी चाहिए, अच्छे बच्चों के साथ रहना चाहिए, अच्छे बच्चों के साथ खेलना कूदना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग भी अच्छे बच्चों के साथ रहा करो, खुद भी अच्छे बनिए, दूसरों को भी अच्छे बनाइए, ठीक है। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब बुक फिल करवाना है एंड कॉपी में क्या करवाना है तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग बुक से पढ़ते रहिए, और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आई होप कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी ओके चिल्ड्रेन, गुड बाय बेटा, पढ़ते रहिए।